नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन खान का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। वह 96 वर्ष के थे। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौलाना वहीदुद्दीन खान के निधन की खबर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन खान के निधन से गहरा सदमा हुआ है। पद्म विभूषण से सम्मानित मौलाना वहीदुद्दीन ने समाज में शांति, सद्भाव और सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ मेरी गहरी संवेदना है। बता दें कि इस साल जनवरी में सरकार ने घोषणा की थी कि मौलाना वहीदुद्दीन खान को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाएगा। साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।